अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरियो में जो राउटिंग टेबल होता है वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, और उस राउटिंग टेबल में कौन कौन से राउट्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और आप स्टैटिक राउट वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम केरियो को स्टार्ट करते हैं और केरियो इनफैक्ट स्टार्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके लॉगिन पेज की तरफ। तो ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 नंबर पे राउटिंग टेबल हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला राउट जो आप देख रहे हैं, इसमें सिस्टम राउट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ देखें दो टेबल हैं, एक IPv4 का है और एक IPv6 का है। IPv6 की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने इस वक्त डिसेबल की हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि IPv6 के लिए हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ चेक लगा हुआ है लेकिन हमने इंटरफेसिस पे डिसेबल किया हुआ है। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है, हमने यहाँ पर इसको डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर IPv6 की राउटिंग टेबल शो नहीं हो रहा है। सिस्टम राउट में बाय डिफ़ॉल्ट राउट है ये जब आप इंटरफेसिस सेट करते हैं फर्स्ट टाइम, ये जब ऑटोमेटिक ही बन जाता है, ठीक है। 0.0.0.0 यानी कि टेट्रा ज़ीरो और फिर यहाँ सॉरी क्वाड ज़ीरो और फिर यहाँ भी क्वाड ज़ीरो, यानी कि चार दफ़ा इसमें ज़ीरो और चार दफ़ा ज़ीरो। इसका मतलब है कोई भी नेटवर्क हो और उसका कोई भी मास्क हो, ये कहाँ पर इस कौन सा गेटवे यूज़ करके इसको राउट करे, 219.2 क्या है, 219.2 ये वाला है, ये जो गेटवे यूज़ कर रहा है, ये हमारा वैन का गेटवे है। ये हमारे वैन की आईपी है और जो वैन आईपी यूज़ कर रहा है वो 131 है और जो वैन का गेटवे है वो 219 है। ये बेसिकली ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। ये इस वक्त हमने कीरियो को जो इंटरनेट दिया हुआ है वो ऑटो आईपी के थ्रू दिया हुआ है, यानी कि स्टैटिक आईपी नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक ये दे रहा है, ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक दिया हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पर राउटिंग टेबल में रेप्लिकेट हो रही है, ठीक है। फिर आ रहा है सिस्टम राउट, यानी कि 10.10.10.0 ये वाला जो राउट है ये भी सिस्टम राउट है, यानी कि ये राउट कीरियो से लैन की तरफ बना हुआ है। अब ये 10.10.10.0 कहाँ है, ये राउट ये वाला है, ठीक है। ये वाला राउट है। यहाँ गेटवे इसलिए नहीं आ रहा है कि कीरियो किसी को अपना गेटवे नहीं बना रहा लैन के ऊपर, बल्कि यहाँ पर कीरियो खुद एक गेटवे है, तो इसलिए यहाँ पर गेटवे नहीं आएगा। अच्छा, फिर हम चलते हैं राउटिंग टेबल की तरफ। फिर एक राउट आ रहा है VPN राउट, यानी कि इसमें कीरियो का जो इंटरफेस है, यानी कि VPN सर्वर वाला इंटरफेस, VPN इसका VPN राउट बना हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो ये प्री डिफाइंड राउट हैं, इनको आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। फिर ये एक आ रहा है सिस्टम राउट, यानी कि वैन की तरफ से हमारे कीरियो को जो राउट बना हुआ है, यानी कि हम वैन से जब कीरियो की तरफ आते हैं तो ये वो वाला राउट है, यानी कि
यहाँ पर जो ट्रैफिक बाहर से आ रहा है, यहाँ से जो ट्रैफिक बाहर से आ रहा है ये उसका राउट है, यानी कि इस नेटवर्क पे जो ट्रैफिक आ रहा है ये उसका राउट है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ क्योंकि ये अप्लाई करने का आएगा यहाँ पर, ऐड स्टैटिक राउट। अब यहाँ से हम स्टैटिक राउट भी हम डिफाइन कर सकते हैं, न्यू नेम, यानी कि जो भी आप राउट ऐड करना चाहें उसका नेम क्या होगा, तो नेम यहाँ पर होगा न्यू राउट बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है। आपने जो भी राउट यहाँ पर ऐड करना है उसका नेम लिख दें, कौन से नेटवर्क पे जाना है और क्या मास्क यूज़ करते हुए जाना है, यानी कि सबनेट मास्क, और कौन से इंटरफेस से निकलेगा, उसका गेटवे क्या होना चाहिए, और ये क्या है मैट्रिक। मैट्रिक बेसिकली क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस होता है, यानी कि राउटिंग डिस्टेंस कितना है। अगर फ़र्ज़ करें बिल्कुल नेक्स्ट पे लगा हुआ है तो उसका राउटिंग डिस्टेंस ज़ीरो होगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट की वैल्यू जो होती है वन होती है। इसके लिए आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, या इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना दूंगा, बल्कि अगर आप देखें तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, बल्कि वीडियो नहीं बनाई, एक शॉर्ट बनाया है, उस शॉर्ट को मैं भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा अपना वीडियो के एंड में, जो एलिमेंट्स आते हैं मैं उसके अंदर लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या मैं अभी यहीं पर ही पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तरीका है राउटिंग टेबल इस्तेमाल करने का, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी राउट ऐड करेंगे वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं इतने सारे, ये बाय डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं, ठीक है, इसको कोई भी जो है वो चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम IPv6 राउटिंग टेबल में होते और अगर हमने इनेबल की भी होती इसकी फंक्शनैलिटी, बल्कि इनेबल तो कई जगह जैसे यहाँ पर इनेबल हुई भी है, लेकिन हमने इंटरफेसेस पे डिसेबल की हुई है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, और ज़ाहिर है हमने उसकी डेफिनेशंस भी नहीं दी हुई। तो अगर वो भी इनेबल हुई भी होती तो इसी तरह यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट राउट आ रहे होते, लेकिन हम चेंजिंग उसमें भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। मज़ीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।